हेलो दोस्तों आज की वीडियो में जो बी ए सेकेंड ईयर के छात्र छात्राएं हैं और जिनका भी सब्जेक्ट है हिस्ट्री का और बुक का नाम है आपका आधुनिक भारत का इतिहास और बुक का कोड है आपका बी ए एच आई टू जीरो वन तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों के लिए जो है जो आपका बुक है और जो जो उसमें आपका सिलेबस है उसकी जो वीडियो है वो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ क्योंकि जो ज़्यादातर जो छात्र छात्राएं हैं उनको जो है जो उनका स्टडी सेंटर है वहाँ से उनको जो उनके बुक हैं वो नहीं मिल पाते तो आपको क्या करना है दोस्तों हर रोज जो है आपको हमारे चैनल पे जो आपका हिस्ट्री का जो बुक है जो टू जीरो वन जो आपका बुक का कोड है उसके जो आपका पहला जो चैप्टर है वो है आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन परंपरा तो दोस्तों हर रोज आपको एक यूनिट जो है उसकी वीडियो हमारे चैनल पे दिखाई देने को मिलेगी तो आज की वीडियो में जो इकाई एक है आधुनिक भारतीय इतिहास की स्रोत सामग्री तो आज की वीडियो में ये आपके लिए वीडियो होने वाली है तो आपको क्या करना है इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है ताकि जो आपके अभी एग्जाम होने वाले हैं उसमें आप अच्छे नंबरों से जो है पास हो सके तो चलिए दोस्तों जो आपका जो पहला जो ब्लॉग एक है आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन परंपरा और आपका जो इकाई एक आधुनिक भारतीय इतिहास का स्रोत सामग्री तो आज के चैप्टर में हम इकाई एक आधुनिक भारतीय इतिहास स्रोत सामग्री के बारे में पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले दोस्तों ये देख लीजिए अभी तो ये आपका इकाई ए है आधुनिक भारतीय इतिहास की स्रोत सामग्री तो सबसे पहले जो प्रस्तावना है वो पढ़ लेते हैं और आपको क्या करना है आपको ये सुनना है जो भी मैं आपको पढ़ के सुना जो पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ तो इससे जो क्या होगा दोस्तों अगर आपके पास बुक भी नहीं है और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका जो समझ आ जाएगा आपको कि अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों बीस नंबर का क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से और ये क्वेश्चन जो है आपका जो है जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन जो पेपर हुए हैं आपके उसमें आए हुए तो चलिए जो प्रस्तावना है उसको स्टार्ट करता हूं मैं पढ़ना तो भारत में आधुनिक इतिहास का आरंभ ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के साथ जुड़ा हुआ है ऐसा भी नहीं है कि ब्रिटिश शासन की स्थापना के पूर्व भारतीयों में इतिहास दर्शन का पूर्णतः अभाव था फिर भी स्त्रोतों की खोज तथा उनके अध्ययन एवं विश्लेषण के आधार पर इतिहास लिखने की एक आधुनिक परंपरा का आरंभ भारत में 19वीं शताब्दी तक नहीं था प्राचीन भारत में जहाँ तत्वों एवं कालक्रम को महत्व नहीं दिया जाता था वही फ्रांसी में लिखित मध्यकालीन इतिहास में तत्वों की सत्यता की जांच का कोई तरीका विकसित नहीं हुआ इसके विपरीत यूरोप में आधुनिकता के उदय ने एक नवीन इतिहास चेतना को जन्म दिया 19वीं शताब्दी के आरंभ में इतिहासकार रैंके ने इतिहासकारों का आह्वान करते हुए कहा कि हमें इतिहास का वह रूप दिखाना चाहिए जैसा वह सचमुच था इस विचार ने यूरोप में इतिहास लेखन के लिए तथ्यों के संकलन को सबसे महत्वपूर्ण बना दिया शीघ्र ही यह विचार की सही इतिहास केवल तथ्यों के आधार पर ही लिखा जा सकता है महत्वपूर्ण हो गया इस विचार ने इतिहास लेखन में स्त्रोतों के महत्व को सर्वोपरि बना दिया भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना के साथ यह विचार आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन का वैचारिक आधार बन गया शीघ्र ही यूरोप की भारत, भारत में भी संग्रहालयों की स्थापना की जाने लगी जहां सरकारी दस्तावेजों को रखा जाता था बीसवीं सदी तक इतिहास लेखन में सरकारी स्रोतों के अतिरिक्त अन्य सामग्री का भी प्रयोग इतिहास लेखन में किया जाने लगा आगे हम आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन के विभिन्न स्त्रोतों के बारे में जानेंगे तो आपका जो नेक्स्ट है वो है उद्देश्य ठीक है दोस्तों आपको जो है इनको ध्यानपूर्वक सुनना है और आपको जो है इस बीच बीच में जो जो क्वेश्चन होंगे वो भी आपसे पूछे जाएंगे तो क्वेश्चन वो होंगे जो आपका जो असाइनमेंट होता है बीस नंबर का या तीस नंबर का तो उसमें आते हैं तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा अगर आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो असाइनमेंट में भी आप जो है अगर तीस नंबर का असाइनमेंट होता है तो पच्चीस नंबर यहाँ से ला सकते हैं और लिखित में आप ऑलरेडी जो है अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं अगर वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो क्योंकि उससे जो है आपको समझ आ जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है और क्या आपको बताया गया था ठीक है उसके बाद उद्देश्य आपका इस इकाई का उद्देश्य आधुनिक भारत के इतिहास लेखन के विभिन्न स्त्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है ये स्त्रोत प्राथमिक रूप से दो भागों में बांटे जा सकते हैं सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेज सरकारी दस्तावेजों में विभिन्न अधिनियम एवं कानून सरकारी रिपोर्ट अधिकारियों के पत्र तथा पुलिस एवं गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट आदि को शामिल किया जा सकता है वही गैर सरकारी स्त्रोतों में अधिकारियों के निजी पत्रों एवं समाचार पत्रों को रखा जाएगा आधुनिक भारतीय इतिहास के को एवं उपनिवेश के आधार भी वर्गीकृत कर सकते हैं। उपनिवेशिक स्त्रोतों में सरकार सरकारी अधिकारियों एवं दूसरे कर्मचारियों से जुड़ी सरकारी एवं गैर सरकारी सभी सामग्री को रखा जाएगा देशी स्रोतों तो में मुख्य रूप से विद्रोहों किसान एवं जनजातीय आंदोलनों एवं राष्ट्रीय आंदोलन में सॉरी आंदोलन से जुड़ी सामग्री आती है इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं के अखबारों एवं साहित्य की भी राष्ट्रीय आंदोलन में अहम भूमिका रही है आगे इन सभी के बारे में हम विचार से चर्चा करेंगे तो दोस्तों अभी आपका जो है मैं जो आपका बुक है वो आपको जो है पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे तो जो भी आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं वो भी मैं आपके लिए जो है सॉल्व करके लाने वाला हूँ तो वो भी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे दिखाई देने को मिलेगी तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही में जो बेल आइकन है उसको भी ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियोस लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे उसके बाद है आपका आधुनिक भारतीय इतिहास के ओप औपनिवेशिक स्त्रोत तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपका जो है 10 या 20 नंबर का आ सकता है तो इस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा भारत में ब्रिटिश शासन ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सत्रह ईस्वी में प्लासी की सफलता के साथ आरंभ हुआ हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार द्वारा संचालित नहीं थी जैसे कि फ्रांसीसी कंपनी थी अतः तो बंगाल स्थित गवर्नर को इंग्लैंड में बैठे अपने अकारों से लगातार निर्देश लेने होते थे, साथ ही भारत शासन से संबंधित जानकारी एवं सूचना को भेजना भी अनिवार्य था सत्रह सौ ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से एवं इसके पश्चात दूसरे अधिनियमों के जरिए ब्रिटिश सरकार ने भी भारत के शासन पर नियंत्रण करना प्रारंभ कर दिया 1857 के पश्चात जो भारत का शासन सीधे ब्रिटिश संसद के अधीन हो गया इस सब परिणाम परिणामस्वरूप विशाल लिखित स्त्रोत सामग्री इतिहासकारों के लिए उपलब्ध हो सकी इस खंड में हम इसी सामग्री का अध्ययन करेंगे तो चलिए जो इसके जो जो स्त्रोत हैं और सामग्री हैं, वो देख लेते हैं तो सबसे पहले आपका अधिनियम एवं कानून तो ये आपकी हेडिंग हो जाएगी अधिनियम कानून और इसमें आप अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये लिखेंगे भारत में कंपनी राज्य के एकदम आरंभिक काल सत्रह से सत्रह के पश्चात भारत का ब्रिटिश शासन ब्रिटिश संसद के निर्देशन एवं नियंत्रण से ही चलता था ब्रिटिश क्राउन ने अठारह ईस्वी में कंपनी को भारत में व्यापार का एकाधिकार दिया था तभी से कंपनी इस को बनाए रखने के लिए लगातार ब्रिटिश शासकों पर निर्भर थी 18वीं सदी एवं 19वीं सदी के आरंभ में हरेक बीस वर्ष के पश्चात कंपनी को अपना एकाधिकार बनाए रखने के लिए संसद संसद की अनुमति प्राप्त करनी पड़ी थी भारत में कंपनी राज्य की स्थापना के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शासन के लिए निर्देश देना भी आरंभ कर दिया सर्वप्रथम सत्रह ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग पास कर कंपनी के भारतीय शासन में हस्तक्षेप का आरंभ किया इसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल की एक परिषद की स्थापना की गई तथा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय बना परंतु यह अधिनियम भारतीय शासन को सुव्यवस्थित करने में नाकाम रहा अतः शीघ्र ही सत्रह ईस्वी में फिट्स इंडिया एक्ट लाना पड़ा इन अधिनियमों के माध्यम से इतिहासकार भारत के कंपनी राज्य पर ब्रिटिश शासन के बढ़ते नियंत्रण का अध्ययन करते हैं 19वीं शताब्दी के आरंभ से ही भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की आलोचना होने लगी थी इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ब्रिटेन में मुक्त व्यापार की विचारधारा के उद्भव से था एडम स्मिथ ने अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ दी वेल्थ ऑफ नेशंस के माध्यम से इस विचारधारा को आधार दिया है ये विचार भारतीय शासन पर भी प्रभाव डाल रहे थे फलस्वरूप 1813 सौ ईस्वी में कंपनी के एकाधिकार को सीमित कर दिया गया और 1833 सौ ईस्वी में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया ब्रिटेन में उत्तारवादी विचारधारा के उदय में उदय ने भी भारत पर एक व्यापारिक कंपनी के शासन को कठुआ आलोचना का प्राप्त बना दिया था 1857 की विद्रोह ने यह अवश्य भावी बना दिया कि भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन सीधे अपने हाथ में ले ले अब भारत का शासन ब्रिटिश संसद प्रत्यक्ष रूप से एक वायसराय के माध्यम से चलाने लगी परंतु उभरते राष्ट्रीय आंदोलन के दबाव में लगातार भारतीय शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए संसद को भारत सरकार अधिनियम पास करने पड़ते थे इन अधिनियमों को पास करने से पूर्व संसद भारत की सरकार से व्यापक विचार विमर्श करती थी अधिनियम अधिनियमों को पास करने के पूर्व संसद भारत की सरकार से व्यापक विचार विमर्श करती थी अधिनियमों को ब्रिटिश संसद में रखना पड़ता था जहां सदस्य प्रत्येक धारा पर बहस करते थे इस प्रकार भारत में उपनिवेश राज्य से संबंधित विशाल लिखित सामग्री एकत्र हो गई, इसमें से अधिकांश सामग्री इंग्लैंड स्थित इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में सुरक्षित है हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि भारत के दिन दिन प्रशासन में हस्तक्षेप करना या इस पर नियंत्रण रखना संसद अथवा क्राउन के लिए भी संभव नहीं था अतः तो भारत में शासन के मूलभूत सिद्धांत तो ऊपर वर्णित अधिनियमों द्वारा तय होते थे परंतु वास्तविक शासन एवं उसकी विभिन्न समस्याओं से वायसराय तथा ब्रिटिश अधिकारियों को ही दो चार होना पड़ता था अतः गवर्नर जनरल अथवा वायस की परसित भारत का शासन के लिए विभिन्न कानून या रेगुलेशन बनाती थी आपने सती प्रथा समाप्त किए जाने वाले कानून के बारे में पढ़ा होगा यह कानून गवर्नर जनरल विलियम ब्रेंटिंग के समय में बना था हम यह भी जानते हैं कि इस कानून को बनवाने के लिए राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में भारतीयों के एक वर्ग का भी सरकार पर दबाव था इस तरह कुछ कानून तो भारतीयों की राय या सहमति से बनते थे परंतु अधिकांशतः ऐसा नहीं था उदाहरण स्वरूप बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू करने के लिए लॉर्ड क्रनवालिस ने भारतीयों की सलाह नहीं ली थी बाद में के दूसरे कानून बनाने में भी सरकार ने ब्रिटिश अधिकारियों के बीच ही फिर भी सरकारी अधिकारियों में भारत के प्रशासन को लेकर अक्सर काफी चर्चा होती थी इसके परिणाम स्वरूप सरकारी स्त्रोत सामग्री का एक सामग्री का एक विशाल भंडार तैयार हो गया इस तरह की अधिकांश सामग्री को कालांतर में एवं पुस्तकालयों को स्थानांतरित कर दिया गया उसके बाद है आपका नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी आपकी सरकारी रिपोर्ट तो इस पे जो सरकारी रिपोर्ट थी वो थी सरकारी रिपोर्ट दो तरह की होती है एक तो दैनिक रिपोर्ट जिसे मुख्यतः पुलिस या गुप्तचर विभाग द्वारा तैयार किया जाता था दूसरी किसी विशेष विषय विशे के अध्ययन की रिपोर्ट औपनिवेशिक शासन एक सुदूर सूचना तंत्र के आधार पर टिका हुआ था उपनिवेशवाद के प्रारंभिक चरण में तो सूचना का मूल स्रोत भारतीय ही थे परंतु धीरे धीरे अंग्रेजों का भारतीयों से विश्वास उठ गया इसका एक प्रमुख कारण अठारह का विद्रोह था इस विद्रोह से सूचना के लिए भारतीयों पर निर्भरता की असफलता सामने आ गई इसके अतिरिक्त राष्ट्रवाद के उद्भव एवं विकास ने भी सूचनाओं के लिए भारतियों पर पूर्ण निर्भरता को असंभव बना दिया तो भारत सरकार ने सूचनाओं के लिए गुप्तचर विभाग का पुनर्ग्रहण किया ताकि विद्रोही राष्ट्रवादी एवं क्रांतिकारी भारतीयों की गतिविधियों की व्यापक जानकारी प्राप्त की जा सके और भारत में भारत में ब्रिटिश शासन को असुण बनाए जा सके इन गुप्तचर सूचनाओं को प्रांत एवं राष्ट्रीय स्तर पर एवं संकलित करने की सुसंगठित प्रणाली थी जिला स्तर पर सूचनाओं को एकत्र एकत्र करने करने के लिए का कार्य लोकल इंटेलिजेंस अथवा पुलिस के हाथ में था इन सारी सूचनाओं का विश्लेषण एवं इन पर रिपोर्ट बनाने का कार्य गुप्तचर या पुलिस विभाग के अधिकारियों के ही पास्त होता था। इन रिपोर्टों से हमें न केवल सरकारी दृष्टिकोण का ही पता चलता था बल्कि विद्रोही, विद्रोहियों एवं आंदोलनकारियों के संबंध में भी व्यापक जानकारी मिलती थी एक दूसरे प्रकार की रिपोर्ट भी है जिसे अक्सर भारत का विशिष्ट समस्याओं के में तैयार किया गया था ये रिपोर्ट एक प्रकार से व्यापक अध्ययन की पश्चात तैयार की जाती थी अतः तो विशिष्ट विषयों के अध्ययन के लिए इनका अत्यंत महत्व है ऐसी नियंत्रित रिपोर्टों में भारतीय जनगणना संबंधी रिपोर्ट है जिसने सेंसस रिपोर्ट कहा जाता है ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना अठारह ईस्वी में हुई परंतु राष्ट्र स्तर पर पहली व्यापक जनगणना अठारह से आरंभ हुई इसके पश्चात तो प्रत्येक दस वर्षों के अंतराल पर भारत में जनगणना होती थी इन जनगणनाओं के माध्यम से न केवल भारतीय जनाकी एवं उसमें परिवर्तनों का भी अध्ययन किया जा सकता है बल्कि भारतीय जातीय धार्मिक क्षेत्रीय एवं भाषाई विभिन्नताओं को भी जाना जाता है दरअसल ब्रिटिश शासन ने भारतीय जनगणना में जाति एवं धर्म को एक प्रमुख पहचान की भारतीय प्रयोग किया जबकि यूरोप में ऐसा नहीं किया गया था इस तरह भारतीयों को पहचानों में बांटने से अलांतर में सांप्रदायिक एवं जातीय राजनीति को प्रोत्साहन ही मिला जनगणना के अलावा कुछ दूसरी रिपोर्ट भी बनाई गई जो नियमित तो नहीं थी परंतु किसी भी तरह कम महत्व की नहीं थी 19वीं सदी के अंतिम दशकों में भारत में भीषण अकाल पड़े थे भारतीय समाचार पत्रों में इन अकालों के लिए ब्रिटिश नीति को दोषी ठहराया जा रहा था। सरकार ने इस आलोचनाओं का जवाब देने के लिए अकाल कमीशनों कमिशन, का गठन किया जिन्होंने भारतीय कृषि जिन्होंने भारतीय कृषि मानसून एवं फसलों का अध्ययन कर महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध कराई इसी प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था तथा उद्योगों के अध्ययन के लिए भी कमीशनों का गठन किया गया उसके बाद देखिए हेडिंग है आपकी गैर गैर सरकारी सामग्री तो निश्चित ही उपनिवेशिक काल के अध्ययन के लिए हमारे पास विशाल सरकारी तो सामग्री का भंडार है परंतु इस काल के लिए गैर सरकारी की भी कमी नहीं है गैर सरकारी स्त्रोतों में ब्रिटिश भारत के प्रशासन से जुड़े अधिकारियों के भारत संबंधी अध्ययनों अधिकारियों की आपसी एवं निजी पत्र व्यवहार तथा आत्मकथाओं आदि को रखा जा सकता है भारत में उपनिवेशवाद के आरंभिक चरण के अनेक अधिकारियों की भारत को जानने में गहरी रुचि थी इन अधिकारियों को अक्सर पांचवादी कहा गया है इनमें से अनेक ने भारतीय धर्मों समुदायों भाषाओं साहित्य एवं संस्कृति का गहन अध्ययन किया और पुराने इतिहास ग्रंथों को प्रकाश में लाने की महत्व भूमिका अदा की अगले अध्याय में हम इन अधिकारियों एवं उनके अध्ययनों के बारे में कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे यहाँ हमारे लिए ये बात जान लेने की है कि अनेक अध्ययनों से हमें उपनिषवाद के उस चरण में अंग्रेज शासकों की विचारधारा का व्यापक सामग्री मिल जाती है गैर सरकारी स्त्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण शासकों एवं महत्वपूर्ण अधिकारियों के निजी पत्र एवं आत्मविवरण तथा आत्मकथाएं आती हैं। ऐसे निजी पत्र एवं विवरण अक्सर अप्रकाशित ही रह जाते हैं अतः इतिहास लेखन के लिए उन्हें प्राप्त करना एवं उनका प्रयोग इतिहासकार के निजी प्रयासों तक सीमित है फिर निजी पत्रों एवं विवरणों की सूचनाओं की की जांच करना भी आसान कार्य नहीं है। फिर भी हमारे लिए अधिक महत्व के इसलिए है क्योंकि इनमें अक्सर जो सूचनाएं मिलती हैं वे अन्यत्र उपलब्ध ही नहीं होती इस प्रकार के कुछ स्त्रोतों को प्राप्त कर विभिन्न पुस्तकालों में रखा गया जहां इनका अध्ययन किया जा सकता है इतिहासकारों ने अनेक पुराने निजी पत्रों एवं लेखों को संपादित अथवा पुनर्स्वादित कर प्रकाशित भी किया है फिर नेक्स्ट है आपका आधुनिक भारतीय इतिहास के देसी स्त्रोत जहाँ सरकारी एवं गैर सरकारी उपनिवेशिक स्त्रोत सामग्री भारत में ब्रिटिश नीतियों उपनिवेशिक विचारधाराओं शासकों को निजी स्रोत आदि के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण तो है वहीं भारतीय स्रोत सामग्री से उपनिवेशवाद की प्रति भारतीय प्रतिक्रिया का पता चलता है निश्चित ही यह प्रतिक्रिया एक तरह की नहीं थी भारतीयों के एक वग्र एक वग्र ने ब्रिटिश शासन का स्वागत किया क्योंकि उनका मानना था कि आधुनिक पश्चिमी सभ्यता अधिक विकसित एवं प्रगतिशील है एक अन्य वर्ग जो कहीं अधिक जागरूक था ने पश्चिमी सभ्यता का अनादुनकरण नहीं किया वरन तक्र एवं बुद्धि के आधार पर इसका विश्लेषण किया इस वग्र का भारतीय सभ्यता संस्कृत एवं अतीत में भी विश्वास था अतः तो इन्होंने पूर्व एवं पश्चिम के विलय विलय से आधुनिक भारतीय सभ्यता के विकास की वकालत की तीसरे वर्ग में हम उन भारतीयों को रख सकते हैं जिन्होंने आधुनिक सभ्यता का विरोध किया ये तीनों ही विचारधाराएं विभिन्न विद्रोहों एवं आंदोलनों में देखी जा सकती है आगे हम भारतीय प्रतिक्रिया से संबंधित सामग्री का विश्लेषण करेंगे तो नेक्स्ट है आपका भारतीय पुनर्जागरण के स्त्रोत तो ये आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि भारतीय पुनर्जागरण के स्तूत क्या हैं तो वहाँ पे आपको जो यहाँ पे अभी मैं आपको बताऊंगा वो आपको लिखने होंगे तो जो भारतीय पुनर्जागरण के स्तूत हैं वो हैं भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना भारत में आधुनिक सभ्यता का आरंभ भी था अतः भारतीयों के एक वर्ग ने पुरानी पड़ चुकी और सड़ी गली मान्यताओं को त्यागने के लिए आंदोलन किए इसका अर्थ यह कदापि नहीं था कि भारतीयों ने आधुनिकता को उसी रूप में स्वीकार कर लिया जैसे यूरोप में उसका विकास हुआ था तथापि भारतीय पुनर्जागरण के वाहकों ने प्राचीन भारतीय सभ्यता के प्रचार प्रसार के लिए इन्हें भारतीयों ने अपने संगठनों की स्थापना की इन संगठनों की प्रत्येक कार्यवाही को लिखित रूप से रखा जाता था हमें बहम समाज देव समाज प्रार्थना समाज आदि संगठनों के लिखित दस्तावेज उपलब्ध हैं इन संगठनों एवं इनकी नेताओं ने अपनी मांगों को लेकर ब्रिटिश सरकार को मांग पत्र अथवा ज्ञापन दिए। भारतीय पुनर्जागरण ने नेता नेता अपने विचारों एवं मांगों को प्रचलित करने के लिए पत्र पत्रिकाएं भी निकालते थे उदाहरण स्वरूप राम मोहन राय ने अपने विचारों की प्रसार के लिए मिरात उल अखबार एवं संवाद कोमुदी नामक पत्र निकाले इस प्रकार भारतीय पुनर्जागरण के संबंध में हमें व्यापक सामग्री मिलती है फिर नेक्स्ट हेडिंग है आपकी विद्रोह किसान आंदोलनों एवं जनजाति संघर्षों से संबंधी सामग्री तो दोस्तों ये बीस नंबर का आपका क्वेश्चन है अगर आता है तो आपको लिखना ही होगा क्योंकि 20 नंबर में आपको जो है से दस आपको फ़िल करने होंगे तो चलिए भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के आरंभ से ही भारतीयों ने उपनिषवाद का विरोध करना आरंभ कर दिया ब्रिटिश विरोधी आरंभिक संघर्षों में किसान आंदोलनों जनजातियों के संघर्षों के अलावा संगठित एवं गैर संगठित विद्रोहों को रखा जाता है इस प्रकार का पहला ब्रिटिश विरोधी संघर्ष बंगाल का सन्यासी विद्रोह या फकीर आंदोलन था यह सभ्यतः असंगठित विद्रोह था संगठित विद्रोह में हम आंदोलन को रख सकते हैं जिसका उद्देश्य भारत में एक मुस्लिम मुस्लिम राज की स्थापना करना था फिर भी इन आंदोलनों को संगठित एवं गैर संगठित जैसी श्रेणियों में विभाजित करना त्रुटिपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार के अधिकांश विद्रोहों के लिखित दस्तावेज या तो नहीं मिलते या अति अल्प हैं। ऐसी समस्या का सामना इतिहासकारों को इस प्रकार के सबसे व्यापक विद्रोह यथा अठारह के विद्रोह में भी करना पड़ता है फिर भी इतिहासकारों ने इन विद्रोहों के अध्ययन के लिए नवीन सामग, सामग्रियाँ खोज निकाली हैं। भले ही सरकार की भाषा अंग्रेजी में विद्रोहों के संबंध में व्यापक जानकारी न मिले क्षेत्रीय भाषाओं एवं दूसरी जन भाषाओं में विद्रोहों के वर्णन भरे पड़े हैं विशेषकर अठारह पर व्यापक एवं एवं नवीन जनजाति उर्दू के स्त्रोतों से पता चली है अठारह का विद्रोह निश्चित ही ब्रिटिश उपनिषवाद के विरुद्ध व्यापक जनचेतना का परिणाम था यह जनचेतना लोक गीतों एवं लोक स्मृतियों में अभिव्यक्त हुई इन लोक एवं लोक स्मृतियों के कुछ प्रमाण हमें आज भी इन इलाकों की बोलियों एवं भाषाओं में मिल जाते हैं, जिनका अध्ययन कर इन विद्रोहों में शामिल लोगों तथा इससे सहानुभूति रखने वालों की चेतना एवं मानसिकता का अध्ययन किया जा सकता है ऊपर हमने विद्रोहों के दस्तावेजों की कमी के संबंध में जिस समस्या की चर्चा की है वही समस्या कहीं व्यापक रूप से किसान एवं जनजातीय आंदोलनों के संदर्भ में सामने आती है किसान और जनजातीय आंदोलन के नेता या उसमें भाग लेने वाले पढ़े लिखे नहीं थे अतः इन आंदोलनों के संबंध में क्षेत्रीय भाषा साहित्य भी मौन है अतः इन आंदोलनों के अध्ययन का एकमात्र साधन सरकारी स्रोत ही रहे हैं जो अक्सर विद्रोहों के प्रति आलोचनात्मक दृष्टि ही रखते हैं लोकगीतों एवं लोक स्मृतियों के अध्ययन से भी इन आंदोलनों के बारे में बहुत कम जानकारी ही मिल पाती है ऐसे में इतिहासकारों के एक वर्ग, सब-सब इतिहासकार ने एक नया तरीका निकाला है उन्होंने सरकारी स्रोतों के पुनरा पुनराध्ययन एवं पुनर्व्यवस्था को किसान एवं जनजाति आंदोलन के अध्ययन का माध्यम बनाना बनाया है इस लेखन ने से कुछ उत्कृष्ट अध्ययन तो सामने आए हैं परंतु इन तरीकों को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है उसके बाद है आपका राष्ट्रीय आंदोलन की दस्तावेज तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दस्तावेज कौन कौन से हैं या आपको टॉपिक दिया जाएगा इस पे आपको लिखना होगा तो यह है भारत में राष्ट्रवाद का उदय आधुनिक चेतना तथा उपनिषवाद विरोधी भावना की प्रसार का सम्मिलित प्रभाव था राष्ट्रवाद की राष्ट्रीय स्तर पर अधिव्यक्ति के रूप में अठारह ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई हालांकि इसके पूर्व ही कुछ संगठन आधुनिक राष्ट्रवाद की विचारधारा से प्रभावित होकर स्थापित किए गए थे जिनमें दादा भाई निरोजी द्वारा लंदन में स्थापित ईस्ट इस्थ इंडिया एसोसिएशन तथा सुरेंद्र नाथ बैनर्जी द्वारा कलकत्ता में स्थापित एसोसिएशन प्रमुख थी अखिल भारतीय कांग्रेस दिसंबर माह में अपना वार्षिक अधिवेशन करती थी इस अधिवेशन में विभिन्न प्रस्ताव पास किए जाते थे तथा सरकार को प्रत्यावेदन भेजे जाते थे कालांतर में कांग्रेस ने आंदोलन करना प्रारंभ आरंभ किया तो आंदोलनों से संबंधित सभी निर्णय व्यापक विचार विमर्श के पश्चात ही लिए जाते थे इन सभी बहसों एवं निर्णयों को लिपिबद्ध किया गया था अतः राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित व्यापक दस्तावेज इतिहास लेखन के लिए मौजूद हैं अखिल भारतीय कांग्रेस के अलावा दूसरे दल भी थे जो भारतीय सॉरी जो राष्ट्रीय आंदोलन में या तो भाग ले रहे थे या अंग्रेजों के थे इनमें मुस्लिम लीग हिंदू महासभा तथा अकाली दल आदि महत्वपूर्ण थे इनमें से अधिकांश दलों की गतिविधियों के बारे में लिखित दस्तावेज उपलब्ध हैं फिर भी कई संगठन गैर कानूनी ढंग से अपनी गतिविधियाँ चलाते थे इनमें मुख्यतः तो, क्रांतिकारी संगठन एवं वामपंथी दल थे हालांकि इन संगठनों में भी राष्ट्रवादी कार्यवाही के कि निर्णय व्यापक बहस एवं चर्चा के पश्चात ही लिए जाते थे परंतु गैर कानूनी होने के कारण ये संगठन अक्सर अपने दस्तावेजों को नष्ट कर दिया करते थे इस संगठनों का इतिहास जानने के लिए स्तूत या तो इनके बचे कुछ दस्तावेज या सरकारी रिपोर्ट हैं जिनसे इन संगठनों की गतिविधियों के बारे में ज्ञात होता है राष्ट्रीय आंदोलन एक अत्यंत व्यापक आंदोलन था अतएव इसमें काफी बड़ी संख्या में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों ने भाग लिया इनमें से अनेक ने अपने लेख, दस्तावेज तथा पत्र छोड़े हैं। उदाहरण स्वरूप केवल महात्मा गांधी के लेखों एवं भाषणों को संकलित कर सौ खंडों में छापा गया है इसे अलेक्टेट वर्कर्स ऑफ महात्मा गांधी के नाम से प्रकाशित किया गया है हिंदी में इसके संक्षिप्त भाग को गांधी वाग्म के नाम से प्रकाशित किया जा चुका है इसके अलावा सरदार पटेल एवं एवं भीमराव के लेखों एवं उनसे संबंधित सामग्री को भी छापा जा चुका है राष्ट्रीय नेताओं के अलावा राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े अनेक क्षेत्रीय नेताओं के लेख एवं रचनाएं भी इतिहासकारों के अध्ययन के लिए उपलब्ध हैं। अनेक प्रांतीय एवं स्थानीय अभिलेख खाओ राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित संबंधित जानकारी के संख्या दस्तावेज भरे पड़े हैं राष्ट्रवाद से संबंधित संगठनों एवं नेताओं से संबंधित सामग्री से हमें नेताओं एवं संगठनों की गतिविधियों नीतियां एवं विचारधाराओं के बारे में तो जानकारी मिलती है परंतु उन असंख्य लोगों के बारे में जिन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया था अधिक पता नहीं चलता हाल में सब अल्टन इतिहासकारों ने राष्ट्रवाद से संबंधित ऐसे सारे अध्ययनों की आलोचना करते हुए इसे इलिट इतिहास कहा है जिससे निम्न वर्ग की चेतनाओं एवं आंदोलन में इनकी भागीदारी के बारे में कुछ पता नहीं चलता है इन इतिहासकारों ने निम्न वर्गों का इतिहास लिखने का दावा तो किया है परंतु अब तक वे इन वर्गों से संबंधित नए स्त्र नहीं ढूंढ पाए हैं और उन्होंने पुराने की की नवीन व्याख्या है। फिर आपका समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं भारत में ब्रिटिश शासन के सुपरवाहों को यदि रेखाकित करना हो तो इनमें आधुनिक पत्रकारिता के आरंभ को महत्वपूर्ण माना जा सकता है हालांकि समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं का आरंभ ओपनिवेशिक शासन का सीधा परिणाम नहीं था बल्कि भारत में आधुनिकता के प्रसार का नतीजा था क्योंकि राष्ट्रवादी विचारधारा का सीधा संबंध आधुनिकता से था अतः आधुनिक चेतना की साथ-साथ भारत में राष्ट्रवाद का भी प्रसार हुआ समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं का आरंभ इसी चेतना के प्रसार का सीधा परिणाम था हालांकि सबसे पहले अखबार अंग्रेजों ने ही निकाले परंतु शीघ्र ही भारतीयों ने भी अक्वा निकालना आरंभ कर दिया भारतियों ने पहले पह, पहले पहल अंग्रेजी एवं फारसी के समाचार पत्र निकाले जहां फारसी पुराने शासकों की सरकारी भाषा थी वही अंग्रेजी नए शासकों की भाषा स्पष्ट है कि इन पत्रों का उद्देश्य सीमित एवं पढ़े लिखे उच्च वर्ग की भावनाओं को अभिव्यक्त करना या उन्हें प्रभावित करना करना भर था फिर भी फारसी के कुछ समाचार पत्र निश्चय ही ब्रिटिश विरोधी भावना रहे थे सी ए बेवली ने अपने एक महत्वपूर्ण अध्ययन एम्पायर एंड एन्फॉर्मेशन में यह विचार व्यक्त किया है कि 19वीं शताब्दी के आरंभ में फारसी को सरकारी कामकाज की भाषा से हटाने में फारसी समाचार पत्रों का सरकार विरोधी रवैये का भी योगदान था कुछ भी हो जैसे ही अंग्रेजी सरकारी कामकाज एवं शिक्षा की भाषा बन गई बड़े पैमाने पर इस उपनिवेशिक भाषा में भारतीयों ने समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं निकालना आरंभ कर दिया राष्ट्रवादी भावना के प्रसार के साथ साथ देशी भाषाओं में भी अखबार निकालने लगे जहाँ अंग्रेजों के समाचार पत्र अधिक राज, राजनैविक भाषा का प्रयोग करते थे वहीं भाषाओं में निकले, निकलने वाले समाचार पत्रों में ब्रिटिश शासन की अधिक तीखी आलोचना होती थी 19वीं शताब्दी के अंत तक देशी भाषा के समाचार पत्र राष्ट्रवादी भावना के प्रसार का मुख्य माध्यम बन चुके थे अतः ब्रिटिश राज ने उनकी आवाज बंद करने में करने के लिए प्रेस एक्ट बनाई फिर भी अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं में निकलने वाले समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं राष्ट्रवाद के प्रचार का सबसे माध्यम बने रहे। यही कारण था कि लगभग प्रत्येक राष्ट्रवादी नेता किसी न किसी समाचार पत्र से जुड़ा था महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय आलोचना में अपना पर्दा यंग इंडिया और नवजीवन के संपादन से आरंभ किया बीसवीं सदी के तीसरे दशक के मध्य से जब दलितों का सवाल राजनीतिक सवाल बन कर उभरा गांधी जी ने हरिजन का प्रकाशन आरंभ किया इस प्रकार समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में अहम भूमिका अदा की ये पत्र एवं पत्रिकाएं इस काल का, का इतिहास जानने के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत हैं तो दोस्तों ये आपके देखिए अभी कुछ क्वेश्चन हैं तो इसमें जो है आपको सत्य या असत्य के बारे में बताना है और जो जो भी आपको पढ़ के सुनाया गया है वो उसी में से क्वेश्चन है तो चलिए आपको क्या करना है जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछू यहाँ पे जो लिखे गए हैं आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि ये राइट right है या रॉन्ग है तो सबसे पहले आपका जो को पहला क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश शासन ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सत्रह सौ सत्तावन ईस्वी प्लासी की सफलता के साथ प्रारंभ हुआ तो इसमें सिर्फ आपको राइट और रॉन्ग का आंसर देना है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा उसके बाद सेकेंड है आपका अट्ठारह के पश्चात भारत का शासन सीधे ब्रिटिश संसद के अधीन हो गया आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और दोस्तों ये आपकी जो है जो आपका असाइनमेंट होगा उसमें भी पूछे जा सकते हैं तो मस्ट तो आपको जो है जरूर आंसर बताना है ताकि असाइनमेंट में भी आप अच्छे नंबर से जो है पास हो सके उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने उन पंद्रह ईस्वी में कंपनी को भारत में व्यापार का एकाधिकार दिया था फिर फोर्थ है आपका कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी नामक ग्रंथ सौ खंडों में छापा किया है फिर फिफ्थ है आपका दादा भाई नोरोजी द्वारा लंदन में स्थापित संस्था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन थी उसके बाद देखिए ये आपका जो पूरी बुक का जो सारांश है तो यह ऊपर हमने आधुनिक भारतीय इतिहास के विभिन्न स्रोतों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है हमने देखा कि उपनिवेशवाद की स्थापना के साथ भारत में लिखे दस्तावेजों एवं इतिहास लेखन के लिए व्यापक सामग्री का प्रादुर्भाव हुआ इसका प्रमुख कारण आधुनिक राज्य का लिखित निर्देशों द्वारा संचालित होना था आधुनिक शिक्षा एवं आधुनिक चेतना के विकास से भारतीयों ने भी विशाल लेखन सामग्री छोड़ी इस प्रकार हमें उपनिषवादी विचारों नीतियां एवं प्रतिक्रियाओं तथा तो विरोधी उपनिषवादी विरोधी आदि से संबंध में व्यापक सामग्री उपलब्ध है तो अभी जो है ये देखिए अभी जो है इसके जो क्वेश्चन है एक यहाँ से आपका जो है बीस नंबर का क्वेश्चन आ सकता है तो क्वेश्चन क्या होगा ये देख लेते हैं तो देखिए देखिए दोस्तों जो भी हम अभी पढ़ रहे थे आधुनिक भारतीय इतिहास की इस तो सामग्री और चर्चा कीजिए तो ये आपका जो है बीस नंबर का क्वेश्चन आ सकता है तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कल की वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय इतिहास एवं इतिहास लेखन का उपनिवेशिक मंथ तो चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलते हैं आपको हमारी न्यू वीडियो में